आप हमारे चैनल में पहले आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को दबाइए, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू। आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कब चलेगी किउल भागलपुर रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन वाला ट्रेन। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किउल भागलपुर रूट पर इस साल मार्च महीने से इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों को दौड़ने के रेलवे के दावा फेल हो गया। किउल भागलपुर के लोग 2016 से इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों के परिचालन की आस देख रही है। यात्रियों को लगा था कि मार्च महीने से रूट में मेमू ट्रेन शुरू होगी तो कम समय में ही गंतव्य तक पहुंच जाएगी। इलेक्ट्रिक इंजन के ट्रायल और स्पीड ट्रायल के बाद उम्मीद थी कि चुनाव से पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगेगी। सीआरएस द्वारा स्पीड ट्रायल के 20 दिन बीत गए, लेकिन ट्रेन नहीं दौड़ सकी। जबकि इस साल फरवरी में ही किउल भागलपुर के बीच 100 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, लेकिन किउल भागलपुर रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन कब से चलेगी, इसका मालदा और दानापुर डिवीजन द्वारा कोई सूचना परिचालन विभाग को नहीं दी गई है। थैंक यू।